नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। अररिया में ध्वस्त हुए पुल से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। बता दें आपको, इस मामले में कार्रवाई हुई है। सहायक और जूनियर इंजीनियर निलंबित कर दिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट सूची में डाल दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए। मुख्य इंजीनियर पूर्णिया की अध्यक्षता में 4 संसदीय जांच कमेटी का गठन किया गया। आपको बता दें कि 7 दिन के अंदर अंदर जांच रिपोर्ट सौंपेगी जांच कमेटी। तो अररिया में पुल हादसा, पुल गिरने के बाद अब सरकार एक्शन में दिख रही है। 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी जो है वो जांच करेगी कि आखिर पुल हादसा हुआ कैसे, ये पुल गिरा क्यों, किसकी गलती की वजह से, क्या लापरवाही किसके तरफ से की गई। तो सहायक और जूनियर इंजीनियर निलंबित कर दिए गए हैं। पुल हादसे के बाद में एक्शन लिया गया है। ठेकेदार को भी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। और आपको बता दें कि प्राथमिकी दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो पुल गिरने के बाद एक्शन में दिख रही है सरकार। बताते चले आपको, 2 लोगों को इस मामले में कार्रवाई करते हुए सहायक और जूनियर इंजीनियर निलंबित कर दिए गए। ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने कार्रवाई की है। ठेकेदार को भी ब्लैकलिस्ट सूची में डाल दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बता दें आपको कि सरकार के एक्शन पर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस घटना के बाद क्या 2 लोग ही केवल जिम्मेदार हैं? इस लोगों में किन किन वजह से ये पुल जो है वो गिरा है, और कौन लोग हैं जिनकी वजह से ये हादसा हुआ है? उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। मांगे पूरे राज्य भर से ये उठ रही है। तो मुख्य इंजीनियर, आपको बता दें कि, और सहायक इंजीनियर, दोनों लोगों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ जो ठेकेदार है वो उसको भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, ब्लैकलिस्ट सूची में डाल दिया गया है। मंत्री अशोक चौधरी से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। अररिया में एक पुल ध्वस्त हो गया, जिसके बाद सियासत बिहार में खूब हो रही है। हमारे साथ बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी मौजूद हैं। अशोक जी, एक पुल है अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, टूट गया। नहीं, अभी वो पुल जो है वो निर्माण के प्रक्रिया में ही थी, और क्योंकि नदी का जो बहाव था वो बदल गया था, तो उस पर अभी, लेकिन फिर भी पुल का गिरना, पाया का गिरना एक सीरियस ऑफेंस है कि किस तरह से पुल का निर्माण हुआ कि पाया गिर गया। और तत्काल हम लोगों ने वहाँ पे जो कार्यपालक अभियंता और जो सहायक अभियंता वहाँ कार्यरत थे, उनको हम लोगों ने, जेई को हम लोगों ने निलंबित किया है तत्काल। और आज एक टीम गठित की है, और टीम आज हाई लेवल टीम जा रही है, वो जांच करेगी, और इसमें जो लोग भी दोषी होंगे। ये एक सीरियस मामला है। बहुत लंबे समय से हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, लोगों को पुल का डिमांड रहता है, और बहुत मशक्क़त के बाद कहीं पुल सैंक्शन होता है, पुल बनता है, और कुछ पदाधिकारी और कुछ ठेकेदारों के निहित स्वार्थ में अगर इस तरह से पुल गिरेगा, और हमारी जो जनता है, जो उनको तकलीफ होती है, सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, सरकारी धन का क्षति होता है, ऐसे किसी भी पदाधिकारी जो भी इस तरह के कार्यों में संलिप्त हैं या जिनकी लापरवाही है, उन सबको, चाहे वो रिटायर्ड हों, चाहे वो वर्किंग हो, और वैसे जो ठेकेदार इसमें इन्वॉल्व थे, सबके ऊपर सरकारी धन के दुरुपयोग का FIR किया जाएगा, क्रिमिनल केस किया जाएगा। तो ये समाचार बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कल मंगलवार को बिहार में एक और पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया। अररिया के सिकटी प्रखंड के बकरा नदी पर बनकर तैयार पुल ताश के पत्तों की तरह भरभराकर पानी में गिर गया। 3 फेज में यह पुल बनकर तैयार हुआ, लेकिन लोगों के काम ना सका। इस पूरी घटना को लेकर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशुतोष कुमार रंजन ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। ठेकेदार को शो कॉज किया गया है। 8.7 करोड़ 79 लाख रुपए का इसका लागत राशि है। जी, कौन सा सेट पुल है? ये PMGSY मद से निर्मित हो रहा था। 2021 में कार्य प्रारंभ हुआ था और लगभग काम कंप्लीट हो गया था। दुर्भाग से ये हादसा हुआ। हादसे के लिए जांच टीम गठित की गई है। रिपोर्ट के बाद ही ऑफिशियली इसके बारे में कुछ बताया। कार्रवाई के लिए विभाग से संवेदक को ब्लैक लिस्टिंग के लिए शो कॉज कहा गया है कि आप अपना जवाब दें कि किस कारण से ऐसा हुआ है।
तो देखिए इस घटना से आप अवगत हैं कि अररिया में एक पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया, ताश के पत्तों की तरह भरभराकर पानी में गिर गया। तो ऐसे में अब बारी आती है सरकार के कार्रवाई की कि आखिर कार्रवाई किस तरीके से की जाती है, कौन कौन लोग लापरवाही किन किन की है। तो ऐसे में न्यूज एजेंसी सवाल पूछता है कि क्या बस दो इंजीनियर पर ही एक्शन काफी है, क्या इसमें केवल दो लोगों की गलती है, करोड़ों का पुल गिरा जिम्मेदार बस दो इंजीनियर। ये सवाल है कि क्या दो इंजीनियर पर ही कार्रवाई जो है काफी है, क्या ठेकेदार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, सरकारी राशि की बर्बादी का जिम्मेवार आखिर कौन होगा, न्यूज एजेंसी सवाल पूछता है। जल में पुल तो जेल में आखिर कौन, किसकी गलती, अब सवाल यही कि गलती किसकी है, करोड़ों का पुल जलमग्न जिम्मेवार कौन आखिर। और न्यूज एजेंसी सवाल लगातार पूछ रहा है कि जूनियर इंजीनियर कितनी बार जांच करने के लिए गया और असिस्टेंट इंजीनियर कितनी बार जांच करने के लिए पहुंचे और असिस्टेंट इंजीनियर वो कितनी बार जांच करने के लिए पहुंचे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक्शन क्यों नहीं लिया आखिर, जांच क्यों नहीं की गई पहले, जूनियर इंजीनियर कितनी बार जांच करने के लिए पहुंचे और ऐसे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सिक्टी विधायक की शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये भी सवाल न्यूज 18 पूछता है। समय रहते अफसरों ने कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की। और जून 2020 में पूरा होने वाला पुल अब तक आखिर क्यों लटका रहा, ये पूरा क्यों नहीं बना। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, सीएम भ्रष्टाचार को लेकर के काफी सख्ती के साथ भी पेश आते हैं, कई बार हमने देखा है कि सीएम नीतीश निर्माण कार्यों की जांच करने के लिए खुद भी पहुंच जाते हैं, सीएम काम का निरीक्षण भी करते हैं, लेकिन सिस्टम के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण इस तरह की गड़बड़ियां सामने आती हैं और यही वजह है कि सरकार की फजीहत भी होती है। तो बिहार में एक बार फिर उद्घाटन से पहले पुल ध्वस्त हो गया और इस बार अररिया जिले के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल धराशायी हुआ और इससे पहले भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल भी गिर करके ध्वस्त हो गया था। गंगा नदी पर बन रहा पुल एक बार नहीं बल्कि दो दो बार बनने से पहले ही गिर चुका है। बिहार में नदी पर बन रहा एक और पुल लापरवाही की भेंट चढ़ गया। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल मंगलवार को भरभरा कर गिर गया। बकरा नदी पर बने इस पुल का उद्घाटन किया जाना था लेकिन इससे पहले ही करीब 12 करोड़ की लागत से बना ये पुल धड़ाम हो गया। पुल का निर्माण सिकटी प्रखंड क्षेत्र के पड़रिया घाट पर पुल का निर्माण किया गया था। पुल के तीन पिलर नदी में जैसे ही धसे वैसे ही पुल का बड़ा हिस्सा नदी में विलीन हो गया। जिले के ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा ये पुल तैयार किया गया था, जमीन पर ही पिलर गाड़ कर तैयार किया गया था, अप्रोच रोड भी नहीं बना था। करीब 12 करोड़ की लागत वाली करीब 100 मीटर का ये पुल था पर उद्घाटन से पहले ही ये भरभरा कर ध्वस्त हो गया। बिहार में पुलों का गिरने का सिलसिला नहीं थम रहा है। पिछले साल ही जून में सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिर गया था, उसके बाद इस साल मार्च में सुपौल में कोसी नदी पर बन रहे पुल का स्लैब गिर गया था जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। अब अररिया के सिकटी में गिरे पुल के बाद एक बार फिर सरकार के पुल निर्माण से जुड़े कार्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर है, किडनी कांड में सजा का ऐलान कर दिया गया। चर्चित किडनी कांड में सजा, दोषी क्लिनिक संचालक को सजा देने की बात कही गई। आपको बता दें पवन को 7 साल की सजा की बात कही गई, 18,000 रुपए आर्थिक दंड का भी ऐलान किया गया। मुजफ्फरपुर से यह बड़ी खबर, दोषी क्लिनिक संचालक को सजा मिली है। आपको बता दें कि 7 साल की सजा हुई है और साथ ही साथ 18,000 रुपए आर्थिक दंड का भी ऐलान कर दिया गया है। तो मुजफ्फरपुर से यह खबर है, किडनी कांड में अब सजा का ऐलान कर दिया गया है। चर्चित किडनी कांड में दोषी क्लिनिक संचालक को
सात साल की सजा हुई है। बता दें आपको, क्लिनिक संचालक पवन को सात साल की सजा हुई है और 18,000 रुपए आर्थिक दंड का भी ऐलान किया गया है। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार दौरे पर आए और नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम ने प्राचीन नालंदा खंडहर को बारीकी से देखा, मुआयना किया और उसके बारे में जानकारी ली। इस दौरान पीएम ने कहा कि नालंदा आना मेरा सौभाग्य है, नालंदा एक पहचान है, सम्मान है, नालंदा एक मूल है, एक मंत्र है। आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा केवल नाम नहीं, हमारी पहचान है। दुनिया के कई देश से छात्र यहां पर आने लगे हैं और यहां से वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया जा रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव एक बार फिर से वापस लौट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन कर दिया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब उद्घाटन किया गया तब की एक तस्वीर और दूसरी तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरानी दीवारों को देख रहे थे, मुआयना कर रहे थे, तब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन कर दिया गया है। ये जो कैंपस नया बनाया गया है सुविधाओं से लैस है। इसमें सबसे बड़ी एशिया की लाइब्रेरी बनाई गई है, बनाई जा रही है। और आपको बताते चलें कि अभी भी वहाँ पर क्लासेस नालंदा यूनिवर्सिटी में लग रही हैं, लेकिन नए कैंपस के उद्घाटन के बाद इसका छाप पूरे विश्व भर में पड़ेगा, इसका असर पूरे विश्व भर में पड़ेगा। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय, जहां पर देश दुनिया से स्कॉलर्स यहां पर पढ़ने के लिए आते थे, स्टडी किया करते थे। लेकिन बता दें आपको कि अतिक्रमणकारियों ने और उस वक्त के जो बताते चले आपको खिलजी ने आग लगा दी थी और पुस्तकें जो वहां पर उस वक्त मौजूद थी और सारी जल गई थी। देखिए पांच तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नए कैंपस का उद्घाटन किया गया तब की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और देखिए विदेशी डेलीगेट्स से जब वहां पर मिले स्टेज की तस्वीर और राज्यपाल और सीएम एक साथ यहां पर बैठे हुए दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि कैंपस के अंदर ही पौधारोपण भी किया गया, प्रधानमंत्री ने भी पौधारोपण किया। और आपको बता दें कि पीएम मोदी का यहां पर सम्मान करते हुए उन्हें आपको बता दें कि मोमेंटो के तौर पर तस्वीर भेंट की गई। पीएम मोदी ने कहा कि नालंदा आना मेरा सौभाग्य है, नालंदा एक पहचान है, सम्मान है, नालंदा एक मूल है, एक मंत्र है। आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाए, आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। गौरव को वापस लाने के लिए जिस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, नालंदा का ये कैंपस उसी की एक प्रेरणा है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। नालंदा विश्वविद्यालय इतना बड़ा था कि आक्रमणकारियों द्वारा पूरे परिसर पर एक साथ हमला करना मुश्किल था और यही वजह थी कि 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए इसकी लाइब्रेरी में आग लगा दी थी। और कहते हैं कि आग लगने के बाद करीब 3 महीने तक ये लाइब्रेरी जलती रही थी और आखिरकार शिक्षा का ये मंदिर आक्रमणकारियों के भेंट चढ़ गया। कैसे खत्म किया गया शिक्षा का केंद्र।
मुगल आक्रांता के सनक की भेंट चढ़ा था विश्वविद्यालय। महीनों जलता रहा था लाइब्रेरी। जो नालंदा यूनिवर्सिटी हजारों साल तक शिक्षा का केंद्र था, जिस विश्वविद्यालय में दुनिया भर के छात्र पढ़ते थे, जिस नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, वो नालंदा विश्वविद्यालय मुगल आक्रमणकारी की सनक की भेंट चढ़ गया। और इस निर्माण के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी को श्रेय दिया जाता है तो वो है मिसाइल मैन के नाम से दिवंगत राष्ट्रपति अबुल कलाम। जब यहाँ पर पहुँचे थे और इस जगह को देखकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया था कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एक विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने पहल करते हुए इसके निर्माण में जोर लगाया और आज आखिरकार ये बिल्डिंग बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया। 1190 के दशक में तुर्क अफगान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने अपने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया। पूरे विश्वविद्यालय को इस तरह से बर्बाद कर दिया गया कि आज हम उसे नालंदा खंडहर के रूप में जानते हैं। अभी हम लोग क्लासरूम के पार्ट्स में खड़ा है। ये आपका क्लासरूम का एरिया है, जो ये पिलर होता था जिसके ऊपर छत होती थी। यहाँ बीच में गुरुजी चारों तरफ छात्र बैठ करके लिखते पढ़ते थे। आज की तरह बड़े क्लासरूम नहीं होते थे ना, यहाँ तो पेड़ के छांव में पढ़ाई होती थी ना। तो यहाँ पर ये पिलर के ऊपर छत होते थे। जब पेड़ के छांव में पढ़ाई होती थी ना, वहाँ बारिश में पढ़ाई रुक जाती थी, लेकिन बाद के राजाओं ने जब पिलर के ऊपर छत बना दिया ना, यहाँ बारिश में भी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती थी। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसमें करीब 90 लाख किताब मौजूद था, और जब खिलजी के सैनिकों ने इस लाइब्रेरी में आग लगाई तो ये लाइब्रेरी करीब 3 महीने तक जलती रही थी, और इसके उठने वाले धुएं से पूरा आसमान धुएं के गुबार से ढक गया था। बख्तियार खिलजी और कुछ तुर्क अफगान जो थे, इस तरह की योजना बनाए कि जो संस्कृति के केंद्र हैं, जो विद्या के केंद्र हैं, जब तक इसको नष्ट नहीं करोगे तो भारत को पीछे नहीं किया जा सकता है। धन तो यहाँ से ले जाओगे, धन फिर आ जाएगा, लेकिन विद्या का जो सिस्टम है, क्रम है, उसको अगर नष्ट करते हैं तभी भारत पराजित होगा। और आप गौर कीजिए, बख्तियार खिलजी के 10 साल आगे और 10 साल पीछे सिर्फ नालंदा को ही नहीं लूटा, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, बल्लभी, जगदल, राजगीर का वेणुवन विहार, श्रावस्ती का विहार, बोधगया का महाबोधि महाविहार, सारे शिक्षण केंद्र थे जहाँ लाखों बच्चे पढ़ते थे, लाखों भिक्षु और ब्राह्मण पढ़ रहे थे जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट थे, उन सारों को उन्होंने नष्ट किया। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने की कोशिश की गई थी। इतिहासकारों का मानना है कि इससे पहले भी 3 बार नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर हमला किया गया था, लेकिन उस हमले में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन 1190 में किए गए हमले में नालंदा विश्वविद्यालय में आग ही लगा दी गई, जिसमें पूरा परिसर ही जलकर राख हो गया। नालंदा यूनिवर्सिटी का एक समृद्ध इतिहास रहा है, लेकिन इस इतिहास के साथ कुछ ऐसी बातें भी जुड़ी हुई हैं जो जानना बेहद जरूरी है। कहते हैं कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था, लेकिन किसी भी मुस्लिम वैद्य की दवाइयों से वो ठीक नहीं हुआ। ऐसे में नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख ने उन्हें ठीक किया। खिलजी ठीक तो हुआ, लेकिन उसे इस बात का गुस्सा था कि वो मुस्लिम वैद्य की दवाइयों से नहीं बल्कि हिंदुस्तानी वैद्य की दवाइयों से ठीक हुआ है। इसी से गुस्सा होकर उसने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में ही आग लगा दी। नालंदा विश्वविद्यालय अब एक बार फिर नए स्वरूप में बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, और एक बार फिर इसमें दुनिया भर के छात्र पढ़ाई कर पाएंगे। नालंदा से अभिषेक कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
भागलपुर में भीषण गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों पर पड़ रहा है। दूर दराज से गांव से काम की तलाश में शहर पहुंचे मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। रोजाना काफी संख्या में मजदूर अपनी जेब से किराया लगाकर काम की तलाश में शहर पहुंचते हैं, लेकिन काम नहीं मिलने से निराश होकर उन्हें घर वापस लौटना पड़ता है। मजदूरों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। इन दिनों पूरे बिहार के लोग भीषण गर्मी और लू से परेशान हैं। भागलपुर में भी लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और इसका सबसे ज्यादा असर कामगारों पर पड़ा है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये सभी लोग जो दिखाई दे रहे हैं, ये मजदूर हैं और दूर दराज गांव से मजदूरी करने के लिए शहर पहुंचते हैं, लेकिन गर्मी के कारण शहर में इनको काम नहीं मिलता है और जिससे ये बेरंग होकर फिर वापस घर लौट जाते हैं। कहाँ से आए हुए हैं? हम आए तेतरी बगरा से। क्या नाम हुआ आपका? मुख्तार नाम। और किस लिए आए हैं? यहाँ काम करने के लिए। काम करने के लिए? हाँ। काम नहीं मिल रहा? काम नहीं मिलता। गर्मी बहुत है सर। गर्मी ज्यादा रहने के बाद हम लोग को काम काज नहीं मिल रहा है। काम काज नहीं मिलने के वजह से हम लोग घर वापस चले जाते हैं बिना काम। हाँ, के बिना काम के हम लोगों का खाने पीने में रोजी रोटी बहुत दिक्कत हो रहा है। सभी लोग जो है दूर दराज गाँव से रोजगार की तलाश में शहर पहुँचते हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में इसका सीधा असर कामगारों पर पड़ रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है जिससे कि लोग खासा परेशान नजर आ रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। नवादा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। नवादा सदर अस्पताल के लू वार्ड को मरीजों के लिए खोल दिया गया है। न्यूज 18 पर खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद में अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया है। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि लू वार्ड में ताला लगे रहने से मरीजों को परेशानी होती थी, जिसके बाद वार्ड को मरीजों के लिए खोल दिया गया। फिलहाल लू वार्ड में 14 मरीज अभी भर्ती कराए गए हैं। बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18।